दोस्तों, मैं अपने चैनल पर कोई भी ऐसी गलत जानकारी आपको नहीं देता हूं जिससे कि आप लोगों को नुकसान हो। अब दोस्तों, यहां पे कई सारे लोगों का मुझे कमेंट आता है, मैसेज भी आता है और एक ही क्वेश्चन मुझसे ज़्यादातर पूछा जाता है कि हम लोग अपने चैनल पर सब्सक्राइबर्स कैसे बढ़ाएं। दोस्तों, अगर आप लोग यूट्यूब पर भी सर्च करोगे कि सब्सक्राइबर्स कैसे बढ़ाएँ तो आपको हज़ारों वीडियो इस टॉपिक पर देखने को मिल जाएंगे, लेकिन उन सभी वीडियो में कोई गलत जानकारी दे रहा है, कोई सही जानकारी दे रहा है। लेकिन आज की इस वीडियो में आप लोगों को मैं तीन ऐसे तरीके बताने वाला हूँ जिससे कि आप लोग अपने चैनल पर बहुत ही जल्द सब्सक्राइबर्स को बढ़ा सकेंगे। दोस्तों, ये सभी तरीके बताने से पहले मैं आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट बात बता देना चाहता हूं। दोस्तों, मैंने अपने चैनल पर एक बहुत बड़ी गलती की है और इस गलती की वजह से मेरा जो चैनल है वो इस टाइम पे बहुत ही डेड पड़ गया है। और दोस्तों, ये गलती अगर आप लोग अपने चैनल पर करोगे तो आप लोगों का चैनल जल्दी ग्रो नहीं होगा। और दोस्तों, वो गलती क्या है मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों देखिए, यहाँ पर जैसे ही मेरे चैनल पर कुछ सब्सक्राइबर्स बढ़ने लगे, यानी कि सब्सक्राइबर्स तो बहुत ही बढ़ रहे थे, लेकिन उस बीच में मैंने 4-5 महीने अपने चैनल पर वीडियो अपलोड करना ही बंद कर दिया और अपने चैनल पर एक्टिव नहीं था 4-5 महीनों से। और यही कारण होता है, अगर आप लोग अपने चैनल पर एक्टिव नहीं रहोगे तो आपका चैनल जो है डेड पड़ जाएगा, जिस तरीके से आज मेरा जो चैनल है वो डेड पड़ गया है। दोस्तों, ये गलती आपको कभी भी नहीं करना है और आपके चैनल पर कितने भी सब्सक्राइबर हो, आपको अपने चैनल पर जो है एक्टिव रहना है। और कोई भी बंदा आपकी वीडियो पर कमेंट करता है, कुछ भी पूछता है, तो उसका रिप्लाई आपको देना बहुत ही ज़रूरी है। साफ और सीधी बात कहूँ तो आप लोगों को अपने चैनल पर एक्टिव रहना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप लोग अपने चैनल पर एक्टिव रहोगे तो आपका चैनल जल्दी ग्रो होने लगेगा। तो दोस्तों, आगे मैं आप लोगों को तरीके बता देता हूं कि तीन कौन से तरीके हैं और कौन सा तरीका आप लोगों के लिए बेस्ट है और किस तरीके से आपको काम करना चाहिए ताकि आप लोगों के चैनल पर जल्द से जल्द जो है सब्सक्राइबर्स बढ़ने लगे। तो दोस्तों, यहां पे जो पहला तरीका है वो ये कि आप लोग किसी भी एप्लीकेशन से या फिर वेबसाइट से आप लोग जो है अपने चैनल पर सब्सक्राइबर्स बढ़ा सकते हो। दिन के 100, 200, 1000, 500 इतने सब्सक्राइबर्स बढ़ा सकते हो। लेकिन दोस्तों, ये सभी फेक सब्सक्राइबर्स होते हैं। यूट्यूब की नज़रों में ये सभी स्पैम सब्सक्राइबर्स माने जाते हैं और यूट्यूब जो है इन सब्सक्राइबर्स को माइनस भी कर देता है कभी कभी, और कभी कभी ऐसा होता है कि माइनस नहीं करता है, लेकिन अगर आपका चैनल अंडर रिव्यू में जाता है मोनेटाइजेशन के लिए तो आपका चैनल जो है मोनेटाइज नहीं होता है, रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर आप लोग किसी भी फेक वेबसाइट से या फिर एप्लीकेशन से सब्सक्राइबर्स बढ़ा रहे हो तो आपका चैनल जल्दी मोनेटाइज नहीं होगा। तो ये भी एक तरीका है आप लोगों को अपने चैनल पर सब्सक्राइबर्स बढ़ाने का। और दोस्तों, आपने सब फॉर सब का नाम तो सुना ही होगा, यानी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं आपके चैनल को सब्सक्राइब कर लूँगा। तो इस तरीके से भी अगर आप अपने चैनल पर सब्सक्राइबर्स बढ़ा रहे हो तो यूट्यूब को पता चल जाता है कि आप किस तरीके से सब्सक्राइबर्स अपने चैनल पर ला रहे हो। तो सब फॉर सब करने का भी एक तरीका होता है, इस पर मैंने एक वीडियो बनाया है, अगर आप लोग देखना चाहते हो तो आई बटन में इस वीडियो का लिंक दे दूंगा। तो सब फॉर सब करने का सही तरीका क्या है आप वीडियो में देखकर आप लोगों को पता चल जाएगा। तो दोस्तों, ये भी एक तरीका होता है। इस तरीके से अगर आप लोग अपने चैनल पर सब्सक्राइबर्स बढ़ाते हो तो आपके सब्सक्राइबर्स जो है स्पैम सब्सक्राइबर्स माने जाते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर जो दूसरा तरीका है, इसको बताने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। मान के चलिए कोई 1 मिलियन सब्सक्राइबर वाला अपनी वीडियो में कोई एक जानकारी दे रहा है और आप लोग उस वीडियो को ओपन करके अगर देखने जा रहे हो तो आपको यही लगेगा कि ये बंदे के सब्सक्राइबर्स 1 मिलियन हैं तो ये वीडियो में सही जानकारी दे रहा होगा। बल्कि वो वीडियो में सही जानकारी दे रहा हो या गलत जानकारी दे रहा हो, उससे आपको कोई मतलब नहीं है, बल्कि आप लोगों को यही लगेगा क्योंकि इसके सब्सक्राइबर ज़्यादा हैं तो ये वीडियो में सही जानकारी ही दे रहा होगा। तो आप लोग आँख बंद करके उसके चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए, एक छोटा क्रिएटर जब वीडियो अपलोड करता है, उसके चैनल पर ज़्यादा सब्सक्राइबर्स नहीं होते हैं, भले ही वो अपनी वीडियो में काफ़ी मेहनत से अच्छी जानकारी दे रहा हो, तो आगे वाला बंदा यही सोचेगा कि आपके चैनल पर सब्सक्राइबर्स कम हैं, तो हो सकता है आप वीडियो में अच्छी जानकारी ना दे रहे हों या फिर आपकी वीडियो में दम नहीं हो। वो ये सोचकर आपके चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेगा और आपकी वीडियो देखकर चला जाएगा। भले ही आप अपनी वीडियो में अच्छी जानकारी दे रहे हों, अच्छी तरह से काफ़ी मेहनत से उस वीडियो को बनाए हों, लेकिन वो बंदा आपके सब्सक्राइबर देख के आपके चैनल को जज कर लेगा। तो आपको क्या करना है, आपके चैनल के सब्सक्राइबर्स को हाइड कर देना है। यहाँ पर इसका भी बेनिफिट आपको मिल जाता है। अगर आप लोग अपने चैनल के सब्सक्राइबर्स को हाइड कर दोगे और आपके सब्सक्राइबर्स नहीं दिखेंगे तो व्यूअर कोई भी आपका वीडियो देख रहा है तो वो आपके चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा और उसको ये नहीं पता चलेगा कि आपके चैनल पर कितने सब्सक्राइबर्स हैं। तो इसका भी बेनिफिट आप ले सकते हो, इसका भी आप यूज़ कर सकते हो। और दोस्तों, यहाँ पे जो तीसरा तरीका है, इसी तरीके से मैं अपने चैनल पर काम करता हूँ और इसी तरीके से मेरे चैनल पर जो है सब्सक्राइबर्स बढ़े हैं और आज की डेट में मेरे चैनल पर 8000+ सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। और दोस्तों, ये तरीके से अगर आप लोग भी अपने चैनल पर काम करोगे तो आप लोगों के चैनल पर जो है डेफिनेटली सब्सक्राइबर्स बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे। दोस्तों, आपको करना क्या है, देखिए, स्टार्टिंग में आप लोगों को अच्छी अच्छी वीडियोस बनानी है, उन सभी वीडियोस को अपलोड कर देना है यूट्यूब पर। उसके बाद दोस्तों, आप लोगों को अपने एनालिटिक्स को चेक करना है, यानी कि अपने YT स्टूडियो एप्लीकेशन को ओपन करना है। वहां पे गो टू एनालिटिक्स का एक ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करेंगे और अपने डिस्कवरी वाले ऑप्शन पर जाएंगे। वहां पर आप लोगों को यह देखना है कि आपका ट्रैफिक सोर्स कहाँ से आ रहा है। अगर आपका ट्रैफिक सोर्स ज़्यादातर यूट्यूब सर्च से आ रहा है तो आपको थोड़ा सा नीचे जाना है, वहां पर टॉप यूट्यूब सर्च का एक बटन आएगा, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको
काफ़ी सारे टाइटल दिख जाएंगे। अब दोस्तों यही सब टाइटल जो है सर्च करके आप लोगों की वीडियोस को देखा गया है। अब दोस्तों मान के चलिए आपने उस टाइटल पे वीडियो नहीं बनाया है, तो अब आपको क्या करना है, उन्हीं टाइटल पे आप लोगों को वीडियोस बनाने हैं। उन टाइटल पे अगर आप लोग वीडियो बनाओगे तो आपका वीडियो सर्चिंग में भी आएगा और आप लोगों की वीडियोस पे ज़्यादा व्यूज़ भी आएगा और आपके चैनल पर सब्सक्राइबर्स भी आने लगेंगे। और दोस्तों उसके नीचे आपको सजेस्टेड का भी ऑप्शन मिल जाएगा कि आपकी वीडियो के नीचे कौन सी वीडियो सजेस्ट करी जा रही है, यानी कि यहाँ से आप लोगों को हिंट मिल जाता है कि आपके चैनल पर लोग क्या देखना पसंद कर रहे हैं, लोग क्या ढूंढ रहे हैं, क्या खोज रहे हैं। आप लोग वही चीज़ लोगों को प्रोवाइड करो अपने चैनल पर, तो इस तरीके से आपको एक नॉलेज मिल जाती है, जानकारी मिल जाती है कि आपके चैनल के एनालिटिक्स में क्या क्या लोग देखना पसंद कर रहे हैं। यहाँ से आपको सब कुछ पता चल जाता है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। खासकर अगर आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि मैं अपने चैनल पर क्या अपलोड करूँ, कैसे सब्सक्राइबर्स बढ़ाऊँ, तो ये सभी तरीका है। आप लोगों को अपने एनालिटिक्स को देखना है, अच्छे तरीके से समझना है कि लोग क्या ढूंढ रहे हैं, क्या खोज रहे हैं। वो सभी चीज़ें अगर आप लोग अपने चैनल पर प्रोवाइड करोगे लोगों को, तो लोग देखना पसंद करेंगे और आपके चैनल पर सब्सक्राइबर्स बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों यही सब तीन तरीके हैं, और दोस्तों ये जो तीसरा तरीका है इसको आप लोग यूज़ कर सकते हो, और बाकी के जो दो तरीके हैं ये तो फेक सब्सक्राइबर्स जो है गेन करने के तरीके हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आप लोगों को तीन तरीके बता दिए, और दोस्तों जो तीसरा तरीका है इसको आप लोग यूज़ कर सकते हो अपने चैनल पर, और जेन्युइन तरीके से आप अपने चैनल पर सब्सक्राइबर्स को बढ़ा सकते हो। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आप लोगों को मैंने इस वीडियो में अच्छे तरीके से समझा दिया। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर से ऑन कर लेना। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही।